हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 8:30। मैं 8 बजे उठ गई थी आज, क्योंकि बेटी जाएगी कोचिंग, तो उसके लिए भाई मैंने लंच और ब्रेकफास्ट बनाया है। तो आज मैंने बनाया उसके लिए पोहा। कल उसने बोला था, मम्मी ऐसी कोई चीज़ देना जो चम्मच से खाई जाए। मैंने कहा चावल तो क्या दूँगी, मैं भी चलो पोहा बना देती हूँ। तो आज भाई मैंने उसके लिए पोहा बनाया है। ब्रेकफास्ट के मैं भी खा लूँगी, वो भी खा लेगी और लंच भी ले जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको भाई, आज रेसिपी नहीं दिखाई मैंने आपको पोहे की, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया था मैंने। देर हो गई थी मुझे, कभी लड़की के लिए देर हो जाए, इसलिए मैं रेसिपी इसमें मैंने कुछ नहीं करा, बस पोहा भिगो दिया था। और सारी जितनी भी घर में सब्जी थी, जैसे गाजर हो गई, बीन्स, मटर और शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह जो भी है सब, पहले ये सारी सब्जी एक सीटी लगा ली थी ताकि कच्ची ना रहे, उबाल ली थी मैंने और फिर वो भिगो दिया था। फिर बस जी जैसे सब्जी बनाते हैं ऐसे छाप के, जीरा डाल के, लहसुन प्याज वगैरह सब डाल के सब्जी की तरह बना दिया मैंने इसे। देखा है ना बढ़िया। अब इसको सब खा लेंगे हम ब्रेकफास्ट में, मैं, नागर साहब, बच्चे। सुबह ही लाइट रहता है, हेल्दी रहता है, इसलिए ज़्यादातर पोहा ही बनाते हैं हम लोग, खा लेंगे नाश्ते। मैं तो ज़्यादा खाती हूँ, फैमिली तो फिर भी कम खाती है। तो पता नहीं बेटी ने आगे से बोला था मम्मी पोहा बनाना, मैंने पोहा बना दिया उसके लिए। तो गाइस कर लिया है ब्रेकफास्ट, अब बेटी जा रही है कोचिंग, आएगी शाम को पाँच बजे आएगी। पोहा बनाया था मैंने इसके लिए, अब दे दिया है। नागर साहब कह रहे हैं भाई मेरे लिए तो पराठे नहीं बने, मुझे तो पसंद नहीं है ये, तो उनने तो खाया नहीं, उन्हें तो अपने बिस्किट खाए। तो गाइस मैंने कर लिया है पूजा, अब दिखाती हूँ आपको अपना लड्डू गोपाल। ये है मेरा लड्डू, आज खा रहा है ये पोहा और दूध। आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था, क्योंकि राधे कृष्ण है, राम दरबार है, शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है, ये सारा दरबार है भाई मेरा। ये प्रभु जी है मेरे, ये प्रभु स्वामी नारायण है, ये माँ है, तो गाइस बेटी गई है कोचिंग, करूंगी खुद ही काम। किचन तो मैंने सुबह ही साफ कर दी थी, पूजा भी कर ली, खाना बनाऊंगी 11:30 बज के, लंच कर बनाऊंगी। अब आज लंच में बनाऊंगी मैं दाल चावल, क्योंकि रोज रोटी खा रहे हैं तो सब, नागर साहब को छोड़ के सब परेशान है, गर्मी में रोटी देख देख रहे, हाँ क्या देख रहे हो नागर साहब? राम राम जी, इनका ये एक ही डायलॉग है, राम राम जी। तो भाई राम राम जी। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 4 और मैं जा रही हूँ भैया आज पार्लर, क्योंकि मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, 2 महीने हो गए मेरे बालन, अब स्पा मांग रहे हैं, तो थोड़ी मसाज होएगी बालन की। तो भाई मैं जा रही हूँ पार्लर, बेटी गई है कोचिंग, मैंने किचन का काम भाई, मैं सब में जब मैंने काम कराया था भाई मैं नहीं बना ओके गाय जी कर रही है मेरे बाल सुखा रही है रेखा। तो गाइज मैं आ गई हूँ पार्लर से, अभी आई हूँ आके, बस मेरी बेटी मेरे गले मिली है और आके कह रही है मम्मी आप मुझे छोड़ के चले जाते हो, जब भी जाम हो सुबह तो शाम तक छोड़ के हैं। अरे आप बोली मेरे को आप घर पे चाहिए, अच्छा मैंने काम ना करूँ मैं, या पहले या मिक्की माउस है मेरा फेवरेट है, ये मिक्की माउस। तो गाइज सुबह से लग रही थी काम में, फिर बेटी आज कोचिंग चली गई थी, कल भी गई थी, आज भी गई थी, और वही उसके बाद काम करा जो भी है घर का, फिर 4 बजे चली गई थी पार्लर, वहाँ से आई अब 9:30 बजे। अब आके थक गई, तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।